मेरे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको आप आज आए थे यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में जब बजट पेश किया गया, तो क्या कुछ आपको सीखने को मिला या जानने को मिला जिससे पता लगे कि आम आदमी पार्टी कैसे बजट पेश करती है? सबसे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था, मनीष जी ने मेरे को इन्वाइट किया। बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी राज्य में रोजगार का बजट पेश हुआ, और मैं दिल्ली के जितने भी युवा हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनके लिए जो रोजगार के अवसर में बढ़ गए हैं, ऐसा होना चाहिए। मैं जब मेरा बजट पेश होगा पंजाब में, जो पंजाब का बजट पेश करेंगे, तो मनीष सिसोदिया जी को भी हम इन्वाइट करेंगे। ठीक है। आपके मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की कि एक ही पेंशन जो है दी जाएगी, तो उससे किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकारी खर्च है वो घटेगा? अभी कितना फर्क पड़ रहा था, आगे जाकर क्या उम्मीद कर रहे हैं किस तरह से घटेगा? पंजाब में जो चार बार जीता उसको चार पेंशन, जो पांच बार जीता उसको पांच पेंशन, जिससे बहुत ज्यादा जो वजन था स्टेट पे पड़ रहा था उसको बहुत कम किया गया। हम फजूल खर्ची बार बार बोल रहे हैं कि फजूल खर्ची जो हो रही है उसको हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, और पंजाब का जो खजाना बोलते हैं ना, खाली है, उसको हम भरेंगे और पंजाब के लिए अच्छी अच्छी स्कीम लेके आएंगे और पंजाब को डेवलपमेंट करेंगे और रंगला पंजाब बनाएंगे पंजाब। चलिए, एक आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री जी मिले थे प्रधानमंत्री जी से, तो वहां पे उन्होंने एक लाख करोड़ रुपए की मांग की कि राज्य को मिलना चाहिए क्योंकि खजाना खाली है और बहुत आर्थिक हालात खराब हैं। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि आपने चुनाव में जो ऐलान किए वो तब आपने कहा था कि हम इंतजाम कर देंगे, और दूसरी तरफ आप जो प्रधानमंत्री के पास जाके आप कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए दीजिए, खजाना खाली है। देखिए, पंजाब के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर चढ़ा हुआ है। किन की वजह से चढ़ा है? इनकी सरकार थी ना, अकाली दल और बीजेपी वालों की सरकार थी। किनकी सरकार थी? कांग्रेस वालों की सरकार थी। हमारी सरकार तो पहली बार बनी है। हम बिल्कुल जितनी हमने गारंटियां दी उनको पूरा करेंगे, पर लेकिन उस कर्ज के लिए, उस दूसरे प्रबंध करने के लिए भगवंत मान जी ने 1 लाख करोड़ रुपए मांगा, वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।